माय नेम इज सुरभि और मैं डायरिया से सफर कर रही थी लास्ट टू मंथ से, और मुझे लूज स्टूल्स थे और साथ में ब्लीडिंग भी हो रही थी, जिसकी वजह से मेरा एनर्जी लेवल पूरा डाउन हो चुका था और साथ में मैंने 11 kg वेट लूज भी करा था। और मेरा मतलब मैं बेड पे ही रहती थी, मेरा स्कूल जाना भी बंद था और मतलब पूरी बॉडी में कुछ भी एनर्जी नहीं थी। मम्मी पापा मेरे बहुत परेशान थे और फिर इतने डॉक्टर्स के पास दिखाया था बट कोई भी राइट ट्रीटमेंट मेरे को नहीं मिला। उसके बाद एक हमारे नोन डॉक्टर ने हमें मणिपाल हॉस्पिटल में रेफर करा और वहाँ पर मेरा ट्रीटमेंट डॉक्टर सुफला सक्सेना से चला और उन्होंने बताया कि मेरी एंडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी करना बहुत जरूरी है, उसी की वजह से मेरा राइट ट्रीटमेंट शुरू हो सकता था। मेरी कोलोनोस्कोपी के बाद ही पता चला कि मुझे कोलाइटिस है और उसके बाद डॉक्टर शुक्ला से मेरे को उसका राइट ट्रीटमेंट मिला उस इन्फेक्शन का। और यहाँ पे मणिपाल हॉस्पिटल में जब मैं एडमिट हुई थी तब से लेके जब तक मेरा डिस्चार्ज हुआ था यहाँ पे हर चीज मेरे को वेल एंड गुड मिली थी। मुझे हर असिस्ट करने के लिए कोई ना कोई था, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई थी। और इन द एंड मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी हमारे को प्रॉब्लम है उसका राइट ट्रीटमेंट मिलना बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए उस चीज से डरना नहीं चाहिए। थैंक यू मणिपाल हॉस्पिटल।